नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त रहेंगे। आज आपको फिर लेकर चल रहा हूँ एक दिव्य वनस्पति की खोज में पहाड़ों की तरफ। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। आज सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हुई है, मौसम बहुत सुहावना है। तो चलो चलते हैं मित्रों। बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस दिव्य जंगली वनस्पति की खोज में मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, उसे सतावर के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में इसे सतावर कहते हैं और इसे लैटिन में इसका बॉटनिकल नेम है एस्पेरेगस रेसमोसा। दोस्तों इसे संस्कृत में सतमूली, सहस्त्रमूली, सहस्त्रवीरिया, नारकाटा आदि बहुत से नामों से जाना जाता है और यह एक ऐसी दिव्य वनस्पति है जिसकी चर्चा सिकंदर जैसे राजा ने की है अपनी आत्मकथा में। भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण कर भारत में आया था तो वह अपने साथ बहुत से नीम हकीमों को वहाँ से लेकर आया था। उसके साथ वहाँ के रहने वाले यूनान के वैद्य लोग आए थे, तो उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के जो आचार्य थे आयुर्वेद के, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने भी अपने ग्रंथों में इसका बहुत वर्णन किया है। सिकंदर ने लिखा है कि वह खुद सतावर खाता था और सतावर से उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती थी। तो अब इसके गुणों की चर्चा करते हैं। यह रस में मधुर और तिक्त स्वभाव की है तथा इसका विपाक मधुर होता है। यह रक्त पित्त वात कफ शामक होती है। दोस्तों यह बहुत ही पावरफुल औषधि है शक्ति के लिए। जिन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी है तथा जिनके शरीर पर, जो नवयुवक हैं उनके शरीर पर मांस नहीं है, हड्डियां जिनकी दिखती हैं, ऐसी अवस्था में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ये जो लता है आपके सामने झाड़ पे ठंडी हुई है, आप इसकी पहचान करें। आप देखें इसमें बारीक बारीक इस तरह की ये पत्तियां होती है। इसको पूरा दिखाओ। ये लता सतावर की लता है। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि यह कमजोरी के लिए बहुत ही अक्सर है, दुबले पतले लोगों के लिए यह रामबाण कार्य करती है। जिन्हें दुर्बलता बहुत हो गई है, जिनका शरीर क्रश और क्षीण हो गया है, वे लोग अभी इसकी जड़ का पाउडर बाज़ार में सतावर मूलचूर्ण नाम से मिलता है, डाबर का, पतंजलि का, वैद्यनाथ का, किसी का भी आप ले सकते हैं। तो इसका 100 ग्राम चूर्ण लेकर उसमें 50 या 60 ग्राम मिश्री मिलाकर रख लें। तो इसकी जड़ का चूर्ण 100 ग्राम और 50 ग्राम मिश्री मिलाकर रखें। प्रातः सायं दूध से खाना खाने के बाद एक एक चम्मच अगर लेते हैं तो यह कुछ दिनों, कुछ महीनों में आपके शरीर को कर देती है पुष्ट और ताकतवर बनाती है। तो नवयुवक भाई धातु क्षीणता की समस्या से ग्रसित हैं, जिन्हें स्पर्म बिल्कुल पतला हो गया है जिनका धातु, और जिन्हें यौन दुर्बलता है उसके लिए भी यह बहुत ही रामबाण है। यौन दुर्बलता में सतावर आदि चूर्ण नाम से बाज़ार में इसका फार्मेसियों का चूर्ण मिलता है, यह एक शास्त्रीय योग है। तो इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सतावर आदि चूर्ण के घटक हैं ये: सतावर की जड़ का चूर्ण 50 ग्राम, कोंच बीज चूर्ण 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली का चूर्ण 50 ग्राम और गोखरू 50 ग्राम। ये सारे द्रव्य लेकर इन्हें कूट पीस कर बारीक कर आप चूर्ण बना लें इनका और मिश्री मिलाकर रखें तथा धारोष्ण दूध के साथ में, गर्म गुनगुने दूध के साथ में प्रातः सायं अगर इसे
दो से तीन ग्राम की मात्रा में नित्य सेवन किया जाए और सदाचार पूर्वक रहें तो यह शरीर को पुष्ट करेगा, इससे बल वीर्य वर्धक रहेगा तथा इससे वीर्य पुष्ट होता है। यह शरीर के लिए, धातुओं के लिए और तांबा चूर्ण है, इसे शतावरी आदि धातु पौष्टिक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह जिन्हें अनिद्रा की शिकायत रहती है, जिन्हें नींद बहुत कम आती है, उनके लिए भी यह अक्सीर है। नींद नहीं आने की समस्या में इसके जड़ का 10 ग्राम चूर्ण लेकर 250 ग्राम दूध में इतना पकाएं कि वह खीर जैसा हो जाए, तब उसमें मिश्री मिलाकर उसे आप अगर सेवन करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी नींद आती है और दिमाग से आदमी हल्कापन महसूस करता है। तो यह बहुत ही सुंदर वनौषधि है जिसका प्रयोग हमारे प्राचीन ऋषि मुनि करते थे। जिन माता बहनों को स्तनों में दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है तथा यह शिशुओं के लिए कमजोरी का कारण भी साबित होता है, क्योंकि अगर माँ का दूध बहुत पौष्टिक होता है और यह बच्चों को नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे कमज़ोर और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो माँ बहनों को ऐसी स्थिति में इसका 2 से 3 ग्राम पाउडर मिश्री मिलाकर दूध के साथ अगर सेवन करें नित्य तो यह दुग्धवर्धक होता है। जिन पशुओं को, दुधारू पशुओं को इसका 60 ग्राम चूर्ण अगर आप सेवन करवाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, तो कुछ दिन सेवन करवाने से पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है, उनका थनेला रोग है वो भी इससे दूर हो जाता है। तो पशुओं के लिए भी यह दुग्ध वर्धक है। किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं और पशुओं के दूध की गुणवत्ता और क्वालिटी को भी सुधार सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, यह कितनी सुंदर लता है, इसमें लाल कलर के फल लगते हैं जिसमें बीज निकलते हैं। तो यह दो प्रकार से इसकी खेती होती है, एक तो ये जंगली होती है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह जंगली सतावर है और यह जो खेत में किसान भाई उगाते हैं उस सतावर से बहुत ही ज़्यादा इसके गुण हैं, क्योंकि यह स्वतः है उत्पन्न, अपने आप पैदा हो रही है जंगलों में, और जो खेतों में जो व्यापार के लिए जिसको उगाया जाता है उसमें आजकल खाद दे दिए जाते हैं तो उससे उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं रह पाती जितनी इस जंगली सतावर की गुणवत्ता होती है। तो जिन्हें रक्ताति सार है, जिन्हें रक्तार्थ है खूनी बवासीर, उसमें भी यह बहुत ही लाभदायक है, चाहे वह ब्लड आंतों से आए या लीवर से आए, कहीं किसी भी अंग से अगर मल मार्ग से ब्लड आता है तो उसके लिए यह बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, यह ऐसी स्थिति में आप इसकी जड़ को पीसकर 10 ग्राम इसका नित्य रस निकालें और उस रस में मिश्री मिलाकर उसका शरबत बनाकर अगर पीते हैं तो इससे रक्त अतिसार में, रक्त पित्त में भी बहुत ही ज़्यादा यह फायदेमंद है। यह दुर्बलता के लिए बहुत ही रामबाण होती है। दुर्बलता के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी मैं इसके आपको कंद दिखाता हूँ कि इसकी जड़ कैसी होती है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये सतावर की जड़ें हैं, ये सतावर की बेल एक झाड़ पर छाई हुई है और उस झाड़ के नीचे हमने खोद के, देखो आपको दिखाने के लिए, इसके इस तरह इसकी गुच्छों में ये कंद लगे हुए होते हैं। इन कंदों को निकालकर, अभी ये क्या मिट्टी लगी हुई है इसलिए साफ नहीं है, आप देख सकते हैं इसके कंदों को, और ये इसके कुछ कंद देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में है, इस तरह के इसके ये कंद होते हैं। तो इन कंदों को धोकर साफ कर सुखा लिया जाता है और इनका पाउडर कर लिया जाता है। यह इसे यूं ही
सहस्त्र वीरिया इसे यूं ही नहीं कहा गया है क्योंकि यह 100 वर्षों तक जीवन देने वाली आयुर्वेदिक ये औषधियाँ हैं, तो इन्हें सहेजने का भी प्रयास करना चाहिए। आजकल तो इन्हें सतावर की इस बेल को घरों में भी लोग उगाते हैं क्योंकि यह बहुत ही सुंदर लगती है और इसमें पुष्प भी लाल कलर के अच्छे आते हैं। तो इसमें एक वैरायटी और होती है, वो पीली सतावर होती है दोस्तों, लेकिन ये जंगली सतावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और गुणकारी होती है। ये इसकी मूले हैं, जो अभी बारिश थोड़ी कम हुई है इस बार, तो ये कुछ सूखी हुई हैं और जैसे ही बारिश होगी तो ये एकदम पुष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों आप इनका प्रयोग करें। जिन्हें आँखों का कोई विकार है, कोई नेत्र रोग है, जैसे रतौंधी है, तो रतौंधी में इसकी जो मैंने बेल दिखाई थी पत्तियों की, आप साग की तरह बनाकर या चटनी की तरह बनाकर और खा सकते हैं। वह नेत्र रोगों में बहुत ही लाभ करती है, उससे नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। तो यह नया जीवन देने वाली सतावर है। मैं बैठा हुआ हूँ अरावली पर्वत श्रृंखला में। यह आप देखिए, ये पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है, बहुत ही हरी भरी और सुंदर लग रही है। आज मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया है। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? तो जिन्हें बहुत से भाई बहनों को बदली हुई दिनचर्या और बढ़ती हुई उम्र के कारण जिन्हें घुटनों में दर्द है, जिन्हें गठिया है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा काम करती है। तो उसके लिए आप 100 ग्राम ये सतावर का जड़ का चूर्ण लें और 50 ग्राम अश्वगंधा और 10 से 20 ग्राम सौंठ। तो सौंठ, सतावर, अश्वगंधा और 10 ग्राम ले लें सुरंजान और उसका बना लें आप पाउडर। और ये पाउडर अगर आप दूध के साथ सेवन करते हैं एक चम्मच नित्य, तो आप देखोगे कि यह गठिया और साइटिका में भी अच्छा काम करती है। इससे घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? इसी तरह लाइक और कमेंट कर बताते रहें। आगे के एपिसोड में फिर हम आपको एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी ऐसी ही बलवर्धक, शक्तिवर्धक औषधि के प्रयोग बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।